గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ సదాయ కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ పదభక్తాయ నమః. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృందవులు, హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ 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 హరే. శ్రీమతి రాధా రాణి కహతే ఈ స్థాన కా నామ రాబల్. రాబల్ జో నామ హై కహతే జైసే రాజా మహారాజ కా ఏక తరహ కా పదవి హోతా హై, ये रावल शब्द राजा महाराज के लिए पदवी है, क्योंकि श्री वृषभानंद महाराज का ये था घर, इसलिए रावल एक टाइटल है उनके लिए, एक बहुत बड़ा, जैसे राजा कुल घर में कोई जन्म हो तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए पदवी है, हैं। इसलिए कहते राधा रानी कैसे जन्म हुई, श्री रूप गोस्वामी इसका वर्णना करते हैं, कहते हिमालय का जो बेटी ये पार्वती, अब पार्वती की जो शादी श्री भोले बाबा को साथ में हुई है, इसलिए हिमालय पर्वत का दामाद कौन लगते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर हमारे परिवार में बहुत दूर भले संबंध हो, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए ना, हम घुमा फिर जानते हो बुद्धि क्या लगता है, हमारे अमुक का अमुक का अमुक का अमुक लगता है, एक बहुत बड़ा एक अभिमान है हमारे, हैं हमारे परिवार के, इसलिए इसलिए यहाँ पर श्री हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा अभिमान है, मेरे जो दामाद है ना सत्यम शिवम सुंदर, स्वयं भोले बाबा जोगी जोगी महाजोगी हमारे दामाद हैं, ये हर बात बात पर ना ये सबको पास में ये अपना बड़ाई क्या करते थे, एक विंध्याचल पर्वत था बोले बड़ा अभिमानी है, हैं मेरा दामाद है इसे मेरे दामाद है इसे तो बड़ा अभिमान करता है, बोले मेरे को ऐसे के दामाद होनी चाहिए जो कि मेरा दामाद का नौकर उसका दामाद है, इसलिए उन्होंने क्या किया श्री ब्रह्मा जी को आराधना की, जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले भरद्वाज वो बोले मुझे ऐसे एक दामाद की जरूरत है जो कि मेरे दामाद का जो नौकर है सेवक है हिमालय पर्वत का दामाद हो, हाँ मेरे दामाद की सेवक हो नौकर हो, इसलिए मेरे को दामाद का हुआ, घर में बेटी हो तभी तो दामाद होगा ना, तो बेटी भी जैसे तैसे नहीं होनी चाहिए, है इसलिए ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगे, ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दी, अभी उनको बेटी कौन होनी चाहिए, स्वयं अगर राधा रानी हो तो उनका पति कौन है, कृष्ण, अगर कृष्ण हो फिर तो शंकर जी कौन है, बोले वैष्णवा नाम यथा संभो वैष्णव अग्रगण्य श्री शंकर जी, फिर तो शंकर जी उनके दामाद का सेवक बन सकते हैं, है इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जो राधा रानी वो नित्य पुत्री श्री वृषभानंद महाराज इनकी नित्य पुत्री है, हाँ इसलिए अभी श्री वृषभानंद महाराज का जो पत्नी कीर्तिका सुंदरी वो गर्भवती, उसको पेट में अभी गर्भवती दो बच्चे उसकी पेट में अभी, हाँ इसलिए अभी उनको पत्नी अभी गर्भवती उनकी, अभी उनकी बेटी होनी चाहिए तब तो ये होगा, फिर उन्होंने जोग माया को आदेश दिया, जोग माया ने कीर्तिका सुंदरी गर्भ से उनको बेटी को खींच करके लेकर गई, आकर्षण करके उन्होंने विंध्याचल की पत्नी की गर्भ में स्थापन कर दी, इसलिए उपयुक्त समय होने पर कहते श्री विंध्याचल की जो पत्नी दो लड़की जन्म दी, एक राधा रानी और एक श्री चंद्रावली, जब उनने ये दो बेटी जन्म दी, पास में उनका घर है, दो बेटी जब जन्म दी विंध्याचल का पत्नी उधर है, इसलिए विंध्याचल में जो उनके दो बेटी हुई, अभी क्या हुआ जिस समय कंस ने वो लड़की को उन्होंने पछाड़ मारे, हैं वो लड़की को जो पछाड़ मारे इतने में वो आकाश में उड़ करके चली गई, और आकाशवाणी की रे मुड़ा कंस तो मुझे क्या मारोगे, तेरे जो मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म हो गया, केवल वो अकेले जन्म नहीं हुआ उसकी शक्ति भी कहीं जन्म हुई है, और उसकी जो शक्ति है ना वो मेरे से भी परम सुंदरी उसकी शक्ति है, हाँ और मेरे से भी, हाँ मेरी जो मूल है वो उनकी है, हमसे सुंदरी बलवान में सबसे सुंदरी, हाँ वो जन्म ली, जब ये आकाशवाणी हुई अभी कंस ने देखा, अरे ये तो मेरी कुलदेवी, ये तो कभी झूठ बोल नहीं सकती है, इसलिए इसका मतलब है, हाँ मेरा काल भी जन्म ले लिया और उसकी शक्ति भी कहीं जन्म लिया, बड़ी सुंदरी,
उसने पुतना को आदेश दी, बोले देखो अगर कोई लड़का जन्म लेगा ना उसको तो मार डालना, लेकिन अगर कोई लड़की जन्म हुई है ना मारना नहीं, उसको ले आना, क्योंकि मेरी जो शक्ति उसने खुद उसने बताई हाँ, उसके जो उसकी शक्ति भी जन्म होगी मेरे से पर सुंदरी, अगर उसको लेकर आओ ना मैं उसके साथ शादी करूंगी, क्योंकि उन्होंने बताया उसको साथ में जिसके हाथ शादी होगी ना वो मरेगा नहीं, उसका जस विश्व ब्रह्मांड में उसके जस सर्वत्र जाएगा। इसलिए पुतना पूरा ब्रज मंडल में घूम रहा है हाँ, कहाँ पर उनकी बच्चा जन्म हुआ, कहाँ पर उनका काल जन्म हुआ। अभी जिसके घर में कोई भी बच्चा जन्म होना, किसके घर में कोई बच्चा जन्म नहीं लेता, बचता नहीं, सब बच्चा जन्म ले करके पता नहीं कौन कहाँ से आती है और छुपा करके उसको मार करके चली जाती है। इसलिए अभी इनकी दो चंद्रावली और राधा रानी जन्म हुई, विंध्याचल की दो बेटी रूप में, वो भी बड़े डरे हुए, किसी के घर में बच्चे कोई जिंदा नहीं रहते, कोई आता है और किस तरह से मार करके चले जाते, वो भी बड़े डरे हुए। इतने में पुतना आई, पुतना आ करके कैसे उनके घर में चली गई और जा करके दोनों बेटी को उठा करके, कंस ने कहा था अगर बेटा हो तो मार डालना, अगर बेटी हो तो उसको उठा कर ले आना, क्योंकि मेरी शक्ति ने बताया, देवी ने, वो परम सुंदरी बलवान है, उनके साथ में जो शादी करेगा वो अमर बनेगा, जस जाएगा। इसलिए पुतना तो दो लड़की को उठाए और आकाश में उड़ाते हुए ले जा रहे थे। जब जे ले जा रही थी, विंध्याचल को पता चला मेरी दोनों पति लड़की भी गायब कहीं हो गए। उन्होंने उनका पुरोहित को बुलाया, पुरोहित को बुला करके बोले ऐसे मंत्र उच्चाटन मंत्र प्रयोग करो जैसे पुतना मर जाए। उन्होंने ऐसे उच्चाटन मंत्र को प्रयोग किया, पुतना तो छटपट 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 करने लग गई हाँ, छटपट करने लगी। अभी क्या करेगी दो लड़की को, अभी तो मरने वाली, छटपट छटपट करने लगी। उन्होंने दो बेटी को ना यहीं पर छोड़कर चली गई। ये पास में चंद्रावली का गांव है हाँ, और यहाँ पर राधा रानी है, ये दोनों जगह पर उन्होंने दोनों बेटी को यहीं पर छोड़कर चली जाती है। वृषभान महाराज उनका नित्य नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं। जब वो स्नान करने के लिए गए, देखा बड़ा सुंदर एक लड़की सतदल कमल फूल के ऊपर में किलकारी मारते हुए बड़े सुंदर शोभायमान और बहते हुए पानी में आ रहे हैं। वृषभान महाराज पानी को नीचे उतर गए, क्योंकि वो सोच रहे थे घर में तो एक बेटा आश्रिदा में है, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, तो घर में कोई बेटी आए ना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन बेटा आए ना कोई नहीं कहता नारायण घर में आया, लेकिन बेटी आई तो दुनिया बोलते हैं कि आई है घर में लक्ष्मी स्वयं आई है। इसलिए इनके मन में इच्छा है घर में एक बेटी की भी जन्म होनी चाहिए। उन्होंने जब देखा उनके पति ने तो गर्भ धारण करती थी, उनको लगा जैसे इनकी गर्भ नष्ट हो गया है, लेकिन गर्भ नष्ट नहीं हुआ था, वो गर्भ तो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में चला गया था। जब उन्होंने देखा बड़ी सुंदरी की प्यारी लड़की, वृषभान महाराज तो बड़े खुश हो गए और खुश होकर के सतदल कमल फूल को ऊपर से उन्होंने बेटी को उन्होंने उठा करके ले आए, बोले श्रीमती राधा रानी की, और उन्हें उठा करके ले आए, ला करके उन्होंने कृतिका सुंदरी को दिया, बोले देखो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी हमें एक बेटी दी है। अभी बड़े आदर पूर्वक बेटी को, बड़े जतन आदर से बेटी को सेवा कर रहे हाँ, उनकी लालन पालन कर रहे बेटी को। अभी नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए, लेकिन कभी कृष्ण अकेले आते ही नहीं, कृष्ण हर समय अपना शक्ति को साथ में श्री कृष्ण आते, कृष्ण कभी अकेले नहीं आते हैं। अभी कृष्ण तो गोकुल में हो जन्म हो गए, जरूर उनकी शक्ति भी कहीं आ गई। नारद जी गली गलियों में जा जा कर ढूंढ रहे हैं उनकी शक्ति कहाँ पर, कहाँ उनकी शक्ति कहाँ पर, कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता कहीं तुंग विद्या, लेकिन ये राधा रानी कहीं नहीं मिल रही। भ्रमण करते करते जब वृषभान महाराज जी के घर में आए, वृषभान महाराज को पूछे आपके घर में कोई बच्चे जन्म हुए हैं, बोले हाँ, तो उन्होंने श्रीदाम को ला कर दिखाया, बोले नहीं नहीं कोई घर में लड़की हुई कि नहीं, वो चुप हो गए, क्यों उनको उन्होंने कहाँ से मिला, जमुना से प्राप्त की, बोले बताओ, बोले हाँ एक लड़की भी हुई है, बोले ले आओ दिखाने के लिए। जो उन्होंने वृषभान महाराज लेकर के आए, बोले अरे इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था हाँ, इनको ही गली गलियों में इनको ही ढूंढ रहा था, अब इनकी इच्छा है इनको थोड़ा स्थिति स्तव करे। लेकिन वृषभान महाराज सोचते ये हमारी बेटी है, लाड़ी 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 ली है, हमारी लाड़ी है लाली है, उनको तो पता नहीं यही मखेश्वरी क्रियेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी केमेश्वरी श्री राधिके नमस्ते, तो उनको पता नहीं ये राधा रानी है, वो सोच रहे थे हमारे लाली। अब उन्होंने बहाना बनाए, बोले जाओ एक काम करो, कुछ
फूल ले आओ, रोली ले आओ, चावल हल्दी ले आओ, तुम्हारी बेटी को मैं थोड़ा आशीर्वाद कर दूंगा। जब वो अंदर में गई ना, इतने में राधा रानी एकदम झट किशोरी बन गई, और जितने ललिता विशाखा चंपकलता जितने सखियां वहां सब के सब प्रकट हो गई। ललिता श्री नारद जी को कह रहे, बोले बाबा क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी स्तुति करो, अभी अभी राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। जब उन्होंने बोले तब श्री नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं, बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्र पंकज निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगति कदा करी सिंह मम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष बल्लरी वितान मंडप स्थिति प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांगी कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करी शशियम कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करी शशियम कृपा कटाक्ष भाजनम। नारद जी बड़े सुंदर स्तुति की, और स्तुति करते करते ना राधा रानी फिर अंतर्ध्यान हो गई, और राधा रानी बोल कर गई, बाबा इस जीवन में और दर्शन नहीं होगा, फिर मैं तुम्हें गिरिराज तलहटी में है जहाँ पर श्री नारद कुंड है, जब तुमने वहीं पर भजन करोगे ना, फिर अशोक बगीचा में वहीं पर तुम्हें मैं वहीं पर दर्शन दूंगा। फिर उन्हें राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई, अंतर्ध्यान हो गई तो नारद तो प्रेम में गदगद हो गए, आज राधा रानी की दर्शन मुझे प्राप्त हो गई है, बड़ी प्रसन्न हो गई श्री नारद जी। अभी अभी वृषभानु महाराज घर में जो बेटी हुई ना, इतने में उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, बोले आओ हमारे घर में बेटी की जन्म हुई, तब उन्होंने नंद बाबा को भी निमंत्रण दिया, आओ हमारे घर में बेटी हुई, तो नंद बाबा बेटे को लेकर के आए, अपना कृष्ण को लेकर आए, राधा रानी से 15 दिन कृष्ण बड़े। लेकिन राधा रानी जब से जन्म हुई है तब से वो आँख को बंद करके रखे, उनकी इच्छा है जब जीवन में पहला बार में आँख खोलूंगी पहले अपना प्रियतम को दर्शन करूंगी, फिर तो ये दुनिया में किसी चीज को मैं दर्शन कर सकती हूँ। इसलिए जब मैया जसोदा कृष्ण को लाए, अभी जी पलंग के ऊपर में राधा रानी लेट हुई थी ना, मैया जसोदा कन्या को लाकर उसी में लेटा दी, लेटा दी तो इतने में कृष्ण अपना हाथों को ना राधा रानी के ऊपर रख दिए। राधा रानी के ऊपर हाथ रखते ही, इतने में राधा रानी के ऊपर हाथ रखते ही कृष्ण का हाथ स्पर्श होते ही राधा रानी को पता चले मेरे प्रियतम आ गए, इतने में राधा रानी अपना आँख को खोल दिए। वृषभानु महाराज तो प्रसन्न थे घर में बेटी हुई, लेकिन ये थोड़ी दुखी भी थे, लेकिन जन्म तो हुई लेकिन पता नहीं ये जन्म से ये आँख बंद करके अंधी नहीं, अंधी होने पर और एक तरह का चीज होती है, लगता था ऐसे जैसे आँख बंद करके अंदर अंदर में किसी चीज को वो सोच रही है, हैं किस किस को सोच रही है, कृष्ण को ही याद करती, श्याम सुंदर कब आओगे और मुझे दर्शन दोगे, आपको दर्शन करके फिर दुनिया को मैं देखूंगी, नहीं तो दुनिया का किसी चीज को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए बोले राधा रानी के आंखों में जो काजल लगाती है ना, वो काजल क्या चीज है, वो साधारण काजल नहीं है, वो कृष्ण दर्शन के काजल है। राधा रानी अपना कान में जो कुंडल पहनती है वो किस चीज की कुंडल है, वो साधारण कुंडल नहीं, कृष्ण कथा सुनने का कुंडल है। राधा रानी जो चुनरी ओढ़ती है किस रंग की चुनरी है, गुलाल रंग की चुनरी है, गुलाल रंग की, बोले क्या, बोले ये अनुराग, कृष्ण अनुराग की ओढ़नी ये चुनती है। राधा रानी जो साड़ी पहनती है लहंगा पहनती है, बोले किस रंग का लहंगा है, कहते नील वसना गौरी रूपे गुणे धन्य, राधा रानी नील वस्त्र की जो चुनरी नील वस्त्र की लहंगा बस साड़ी पहनती है, बोले क्यों, बोले जो नील रंग है वो कृष्ण का जो रंग है वो नील रंग है, इसलिए राधा रानी का एक नाम है श्यामा, श्यामा मतलब कृष्ण रंग में जो रंगी हुई,
और श्याम रंग कहते हैं, श्रृंगार रस को भी श्याम रंग कहते हैं। इसलिए जो संपूर्ण रूप में राधा कृष्ण कृष्ण की प्रेम रस में जो डूबी हुई वो कौन है, ये श्रीमती राधा रानी। जब राधा रानी जब उन्होंने पहला बार नेत्र खुले, उन्होंने सामने कृष्ण को दर्शन किए, दर्शन करते ही वृषभान महाराज तो उत्सव कर रहे थे राधा रानी की जन्म उत्सव की, लेकिन जब देखा राधा रानी ने नेत्र खोल दी ना, वो इतने प्रसन्न हो गए, जितने जोर से वो उत्सव कर रहे थे बोले और बड़े जोर तोड़ से उत्सव होनी चाहिए। फिर उनने सारे ब्रजवासियों को बुला करके हाँ बोले राधा जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। इसलिए बड़े धूमधाम से राधा रानी की जन्म उत्सव को यहीं पर पालन किए, और वृषभानंद बाबा जितने दान पुण्य किए थे ना, कहते वृषभान महाराज के घर में कहते 11 लाख गया है, और नंद बाबा अगर 9 लाख गया है, उनसे ज्यादा जो धनी है ना कौन है, श्री वृषभान महाराज। इसलिए से नंद बाबा जितने धूमधाम से उत्सव किए, और उससे ज्यादा धूमधाम से ना राधा रानी के उत्सव उन्होंने उससे भी ज्यादा धूमधाम से किए। इसलिए महाराज जी बोलते थे तो देखो कृष्ण का जन्म उत्सव इतने धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन जब राधा रानी के जन्म उत्सव मनाएंगे ना उससे भी और धूमधाम से उनके भी उत्सव होने चाहिए। क्यों, जो राधा रानी ये सर्व लक्ष्मी भाई ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए वृषभानंद महाराज ने बड़े धूमधाम उत्सव किया, सारे ब्रजवासियों को धन दौलत लुटाए और खूब उन्होंने उत्सव खिलाए और उन्होंने उत्सव मनाया। श्री राधा रानी की जय, ताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ठीक है राहुल सब देख रहे, मेरा मुंह दिखा रहा है तुम्हारी, और पता चलेगा ना तुम यहाँ पर आए नहीं। राहुल 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 दिख रहे हैं।